सो वेलकम अमित जी। सर अमित, आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि फिजिकल एजुकेशन टीचर में क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। जी सर, सर फिजिकल एजुकेशन टीचर के अंदर सबसे पहले तो उसे खुद फिट रहना चाहिए, क्योंकि उसको बच्चे हैं जो अपना रोल मॉडल मानते हैं। सेकंड नंबर पर सर उसको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की वो अच्छी होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर सर उसको साइकोलॉजी की जो सपोर्ट साइकोलॉजी होती है उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को कोई ट्रेनिंग कराए तो वो उसमें अपना बेस्ट दे सके। सर फोर्थ नंबर पर जो फिजिकल टीचर होता है उसे एक ड्रेस कोड में अपना मेंटेन करके रखना चाहिए। सर एक फिजिकल टीचर को निर्णय लेने की क्षमता भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि कभी उसको ऐसे सपोर्ट टीचर कोई गेम ऑर्गेनाइज कराना हो तो उसको निर्णय लेने की अच्छी क्षमता हो। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, जिसे एजुकेशन हबी कहा जाता है। आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। जी सर, सर मैंने रेसलिंग गेम में 2 times ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन किया है, और इंटर कॉलेज लेवल पर मैंने 1 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सर इसके साथ मैंने जूडो गेम में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है इंटर कॉलेज लेवल पर। ओके, तो सोनीपत को कुछ और भी कहा जाता है? सर उसे एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटी और स्कूल भी हैं, जिससे बाहर के विद्यार्थी भी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ओके, तो चलिए फिर आप एज पर द रूल्स जो NBS में मोस्टली करवाया जाता है, दैट इज़ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट फ्रॉम टीचर, तो ऑब्वियस है कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर से तो कमांड्स ही चेक करेंगे, तो हम आपसे चेक करते हैं कि किस तरीके की कमांड्स पर आप वर्क करते हैं, तो देखते हैं कि आप कौन सी कमांड्स पर बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। हम आपको मौका देते हैं, चांस देते हैं। आप जानते हैं कि मॉर्निंग असेंबली में कुछ कमांड्स होती हैं जो फिजिकल एजुकेशन टीचर को देनी पड़ती है और बच्चों को उसे मानना है, तो कुछ कमांड्स के बारे में बताइए, प्रैक्टिकली दिखाइए। सर कमांड 2 की होती हैं, एक तो रिदमिक कमांड, एक रिस्पॉन्स वाली कमांड। जो रिदमिक कमांड होती है सर, वो जैसे कि बैंड पे या ढोल के ऊपर या म्यूजिक सिस्टम के ऊपर दी जाती है, और दूसरी सेकंड कमांड जो होती है सर वो रिस्पॉन्स वाली कमांड होती है, जैसे कि अटेंशन और स्टैंड रीड। सर मैं माई सेल्फ कमांड दे के दिखाना चाहूँगा, माई सेल्फ अटेंशन, माई सेल्फ स्टैंड रीड, myself attention, myself stand at ease। सर दूसरा एक इसमें कदम ताल भी होती है, मैं उसको भी करके दिखाना चाहूंगा, myself attention, कदम ताल शुरू कर, 1 2 1, left right left right left right left left right left, खाली 1 2। सर इसके अंदर एक लेफ्ट टर्न भी होता है, राइट टर्न भी होता है सर, और इसके अंदर बैक टर्न भी होता है सर, मैं कुछ वो टर्न भी करके दिखाना चाहूंगा, myself राइट टर्न, myself राइट टर्न, myself अबाउट टर्न, myself स्ट्रेटजीज, myself अटेंशन, myself स्ट्रेटजीज। मिस्टर अमित, आप हमें PT के कुछ डेमोज बताइए। जी सर, सर PT की जो एक्सरसाइज होती हैं वो 16 काउंटिंग पे होती हैं, जैसे कि सर मैं अपने लिए 4 में को एक डेमो देके दिखाऊंगा। वाह सर, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा हैंड होता है, एल्बो होती है, वो स्ट्रेट होती है और बिल्कुल सामने शोल्डर के सामने होनी चाहिए, और जो हमारी ये दोनों हथेलियाँ हैं वो दोनों आपस में सामने होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर 2, जो हमारी ये बाजू है ये ईयर्स के पास में होनी चाहिए, और दोनों बाजू ये पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए सर। इसके बाद 3, इसमें सर हमारा जो है शोल्डर के सामने साइड में हमारे दोनों हाथ होंगे, और इसके नंबर 4 पे होगा 4, बिल्कुल हम जो पहले वाली पोजीशन थी सावधान की उसी पोजीशन में आ जाएंगे सर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है 1, इसमें तो वो पोजीशन वही रहेगी लेकिन जो हमारी लेग्स की मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगी। 2, इसमें जो हमारी लेग्स हैं, जो हमारे घुटने हैं, वो 45 degree के एंगल में रहेंगे और वापस फिर हमें पहले वाली पोजीशन में आना होगा। 3, 4, तीसरे नंबर की एक्सरसाइज है, उसमें के अंदर हमें जो लेफ्ट लेग है वो अपना थोड़ा साइड में निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमारी अटेंशन स्टैंड की पोजीशन होती है उसके दौरान। 1, 2, इसके अंदर सर हमें दोनों हाथ हथेलियाँ जो उसको मिलाना पड़ेगा, और जो हमारा हैंड्स है ये बाजू है इसको ईयर से टच
इसके अंदर सर तीसरे नंबर की जो काउंटिंग होगी हमारे हैंड साइड में आएंगे, और चौथे नंबर की काउंटिंग होगी हम पहले वाली सावधानी पोजिशन में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। सो अमित, आपने टीचर बनने का क्यों सोचा? सर टीचर एक नोबल प्रोफेशन है जिसे ये समाज की दुनिया में भी एक सम्मानजनक पौधे से देखा जाता है, और एक ऐसा टीचर जो सभी स्टूडेंट्स को अच्छी नॉलेज दे सके, शिक्षा दे सके और समाज में एक अच्छा नागरिक तैयार कर सके। सर मेरे को टीचिंग करके एक आंतरिक खुशी महसूस होती है जिससे मैं अपने 100% देना चाहता हूँ।